लकड़हारा कुछ सालों से एक ही जगह पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तरक्की नहीं हुई। उसी जगह कुछ समय बाद एक दूसरे लकड़हारे को नौकरी पर रखा गया और उसे एक साल के अंदर ही तरक्की मिल गई। जो पहला लकड़हारा था उसे ये देख के बहुत बुरा लगा कि मैं यहाँ पर पुराना हूँ और नए को मुझसे पहले इतनी तरक्की मिल रही है। लकड़हारे को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने इस बात का विरोध किया। वह अपने मालिक के पास गया और अपनी दिक्कत उसे बता दी। उसके मालिक ने उससे कहा, तुम अभी भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने ही कुछ साल पहले काटते थे, लेकिन वो दूसरा लकड़हारा तुमसे बहुत ज्यादा पेड़ काट लेता है। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारी तरक्की हो तो तुम्हें भी उसके ही जितना काम करना पड़ेगा और पहले से ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। लकड़हारे ने कहा ठीक है और उसने अधिक देर तक काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वह अधिक पेड़ नहीं काट सका। वह फिर से अपने मालिक के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके मालिक ने उससे कहा, तुम्हें मेरे पास नहीं बल्कि उस लकड़हारे के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता है जो हम दोनों भी नहीं जानते। पुराना लकड़हारा दूसरे नए लकड़हारे के पास गया और उससे पूछा, तुम इतने से समय में इतने पेड़ आखिर काट कैसे लेते हो? तभी नया लकड़हारा बोला, पेड़ काटते काटते कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाती है, इसलिए मैं एक पेड़ काटने के बाद कुछ समय के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। अब तुम भी अपने आप से पूछो, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार कभी तेज की थी? पुराने लकड़हारे को अब सारी बात समझ आने लगी। उसने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वह भी अधिक पेड़ काटने लगा। अधिक पेड़ काटने के कारण एक साल के अंदर ही उसकी भी तरक्की हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि आपका सोचने का तरीका ही आपको कामयाबी दिलाता है। जब भी आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसी परिस्थिति में आपको भी उसी लकड़हारे की तरह अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने की जरूरत है। कुछ समय के लिए रुको।